हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ब्यूटीफुल MIUI डार्क सेटअप लेकर आ गया हूं। एक कंप्लीट सेटअप होने वाला है जिसे हम दो तरीके से क्रिएट करेंगे, एक विथ KWGT और एक विदाउट KWGT। होम स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर एक ब्यूटीफुल डार्क जोकर वॉलपेपर को यूज किया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इन आइकॉन्स के साथ। और ये जो आइकॉन्स है अच्छे से मैच होते हैं वॉलपेपर के साथ। साथ में यहाँ पर विजेट में भी रेड कलर का टच है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। विजेट में यहाँ पर डे डेट एंड बैटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और विदाउट KWGT वाली विजेट की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, इसमें भी डेट टाइम और डे का इन्फॉर्मेशन है। बात करें कंट्रोल सेंटर की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की कंट्रोल सेंटर के साथ आता है, ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड है और यहाँ पर भी आपको रेड टच मिल जाएगा। और अगर हम चाहते हैं यहां पर सेटिंग्स के अंदर तो यहां पर भी आप देख सकते हो वही रेड टच देखने को मिलता है डार्क बैकग्राउंड के साथ। और बात करें लॉक स्क्रीन की तो आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन में यहाँ पर एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है, एक ब्यूटीफुल विजेट के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस डार्क सेटअप को अपने पोको रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट KWGT वाली सेटअप से। तो सबसे पहले आपको एक थीम डाउनलोड करना होगा, जो कि है एलिगेंस OZ बाय डिजाइनर अंकुर तिवारी, और इसे हम यूज करने वाले हैं आइकॉन्स के लिए। तो यहाँ पर आइकॉन्स को सिलेक्ट करके थीम को अप्लाई कर लेना है आइकॉन्स के लिए। देन जो विजेट हम यूज करने वाले हैं वो है MS40V12 से, और इसे हम यूज करने वाले हैं विजेट के लिए। तो यहाँ पर हमें होम स्क्रीन को सिलेक्ट करना है और इस थीम को अप्लाई कर लेना है। और थर्ड थीम है माउंटेन और M14 बाई डिजाइनर एंड्रू, और इसे हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर कंट्रोल सेंटर और सिस्टम UI के लिए। तो यहाँ पर हमें सिस्टम को सिलेक्ट करके थीम को अप्लाई करना है। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख लो, माउंटेन में OO है, तो इसे आप याद रखना है और थीम स्टोर पे जाके सर्च करना, ये आपको मिल जाएगा। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन पे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो आइकॉन्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, विजेट को यहाँ पर नीचे प्लेस करना है और यहाँ पर वॉलपेपर को अप्लाई करना है। और ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हो इसे मैंने डाउनलोड किया है वॉलस्टैक ऐप से, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वॉलपेपर को होम स्क्रीन पर सेट करना है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। होम स्क्रीन वॉलपेपर सेट करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो होम स्क्रीन है वो रेडी हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है आप देख सकते हो। और कंट्रोल सेंटर वगैरह भी रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमने सिस्टम थीम भी अप्लाई किया है। अब हम चलते हैं सेकंड होम स्क्रीन पे, जिसे हम क्रिएट करेंगे विथ KWGT। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर होम स्क्रीन से विजेट को रिमूव करना है, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है और जाना है विजेट सेक्शन पे। देन हमें जाना है यहाँ पर KWGT सेक्शन पे और यहाँ पर एक KWGT विजेट को होम स्क्रीन पर प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। देन इसे यहाँ पर रिसाइज करना है, आप देख सकते हो कुछ इतना इसका साइज रखना है, आप देख सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर टैप करना है। जो विजेट हम यूज करने वाले हैं वो है मिनिजम KWGT से, और विजेट नंबर है मिनिमल 179, तो यहाँ पर हमें सर्च करना है 179। तो आप देख सकते हो हमारा जो विजेट है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें टैप करना है, देन यहाँ पर हमें स्टैक ग्रुप पर टैप करना है, देन जाना है पोजीशन पे और इसे थोड़ा नीचे लाना है। तो यहाँ पर वही ऑफसेट को अराउंड -40 पर सेट करना है और इसे सेव करके होम स्क्रीन पर जाना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो KWGT वाला होम स्क्रीन सेटअप है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब टाइम है लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन के लिए मैंने जो थीम यूज किया है वो है रेड सर्कल बाय डिजाइनर PUSKPB, और इसकी साइज है 26.2 MB। और वॉलपेपर हम यूज करने वाले हैं ये वॉलपेपर, इसे मैंने डाउनलोड किया है pickpx.com से, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि हम कैसे थर्ड पार्टी वॉलपेपर यूज कर सकते हैं MIUI लॉक स्क्रीन में, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। अगर आप उस वीडियो में मैंने जो प्रोसेस बताया है अगर आप उसे फॉलो करते हो और थीम स्टोर पे आके इस थीम को अगर आप अप्लाई करते हो लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट करके, लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर अप्लाई नहीं होगा, हमने जो वॉलपेपर सिलेक्ट किया होगा वो अप्लाई होगा, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा जो लॉक स्क्रीन है वो भी रेडी हो चुका है। तो ये था एक डार्क MIUI सेटअप, आई होप कि आपको ये सेटअप पसंद आया होगा। और चलो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अनुसमान साइनिंग आउट।